हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर, फ्रॉम आराध्य क्लासेस, सिटी एम अहमदाबाद। आज दोस्तों हम भाई पार्ट 16 लेके आया हूँ। पार्ट 14 में मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का बात किया था, पार्ट 15 में भी मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तगड़े तगड़े सम्स करवाए थे। अब पार्ट 16 में आज एक्सरसाइज 3.5 का जो दूसरा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में 3.5 एक्सरसाइज है, उसके दूसरे का पहला क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, दूसरे का पहला। ठीक है, क्या बोल रहे हैं देख लो आप। 2x प्लस 3y माइनस 7 और दिस 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 इज इक्वल्स टू 0। फाइंड ए एंड बी फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस सर 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 यस, इनफाइनाइट के लिए तो हमको हमका कंडीशन पता है साहेब। ओ साहेब, हमका कंडीशन पता है, ए वन अपान ए टू इज इक्वल टू बी वन अपान बी टू इज इक्वल टू सी वन अपान सी टू, बोलना ही पता है का? तो फिर आ जा, तो हम 2 मिनट का काम करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। आपका बोर्ड का जो सप्लीमेंट्री होता है ना बोर्ड में आप लिखते हो, उसमें ऐसा करने का आपको 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, जुपाक जुपाक। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ। चलो पहले ए वन ए टू फाइंड करो। ए वन 2 है, बी वन 3 है, सी वन माइनस 7 है। ए टू ए माइनस बी है, बी टू ए प्लस बी है, सी टू ब्रैकेट जूम जूम जूम। डन है डन है, ओके आ जाओ। अब आ जाओ, सीधी बात, नो बकवास, क्लियर है? क्लियर है। अरे भैया हाँ, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कंडीशन इज ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। ठीक है, चलो पहले हम ये कंडीशन लेते हैं, ये वाला। ठीक है ठीक है ठीक है, चला जा। ए वन अपॉन ए टू 2 अपॉन ए माइनस बी, 2 अपॉन ए माइनस बी, बी वन अपॉन बी टू 3 अपॉन ए प्लस बी। ओके चलिए जूम जूम। टू ए टू बी, थ्री ए माइनस थ्री बी। डन है डन है, बहुत इजी काम हो रहा है, बहुत इजी काम हो रहा है। चलिए 3 ए माइनस 2 ए, ए हो गया भाई, ये 3 ए और ये 2 इधर जाएगा तो माइनस, भाई ये 3a 2a इधर जाएगा तो माइनस 2a, क्या हो गया? ये माइनस 3b है ऑलरेडी, और ये 2b इधर जाएगा तो माइनस 2b हो जाएगा, तो माइनस 5b इज इक्वल्स टू 0। जपा, ओहो सर आंसर नहीं आया सर, कुछ नया इक्वेशन बना, तो ठीक है इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं, डन है। चलो दूसरा कंडीशन क्या है? पहला तो ये हो गया, ये पहला कंडीशन तो मैंने लिख दिया, अब दूसरा ये ले लेता हूँ कंडीशन, शायद मेरा काम हो जाए, शायद मेरा काम हो जाए। चला गया, बी वन अपान बी टू सी वन अपान सी टू। बी वन बोलो, चलो यहाँ पे सब कुछ देख देख के लिखना है, कॉपी करके लिखना है, तो सर बड़ा मज़ा आ जाए। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, देखो ऊपर नीचे माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है, काम इतना इजी हो गया। इसको यहाँ पे जाने दो, इसको यहाँ पे जाने दो। अब शांति से देखना, बहुत छोटे बच्चों वाला मत करना यार। थ्री, ये पूरा बॉक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 3 9 ए, 3 बी माइनस 2 3 जा 6 इज इक्वल्स टू 7 ए 7 बी। ओके चलो भाई, 9a माइनस 7a 2a, 3b माइनस 7b माइनस 4b, और ये माइनस 6 सामने जाएगा तो प्लस 6। क्लियर है? क्लियर, बहुत बहुत बार चलाया दोस्तों, प्लीज़ देखो 2 कॉमन आ रहा है। अब ये भी बात आपको समझ में नहीं आई होगी, मुझे पता है, मुझे संपूर्ण भरोसा है आप पे, है? अरे यार दोस्त, 2 कॉमन ले, टू को नीचे भेज, थ्री जा तो ए माइनस टू बी इज इक्वल टू 3 हुआ कि नहीं हुआ?
क्या हाथ में अब तू पेंसिल पकड़े, मैं ऐसे ऐसे चलाऊं तेरे को, चल। तो ए माइनस, और स्मार्ट बन थोड़ा, सुबह ना धो लिए तो उससे स्मार्ट नहीं होते हैं। देर आर थ्री टाइप ऑफ वर्क, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क एंड थर्ड वन इज शार्प वर्क, है ना। जो बच्चे स्मार्ट और शार्प वर्क करते हैं ना, वो बच्चे तो टॉप कर रहे हैं। हार्ड वर्क तो, हार्ड वर्क तो है, पर उसके साथ स्मार्ट वर्क भी करने का ना। हाँ चला जा। अब लो तीन और चार इक्वेशन आ गया, अब क्या करें दोस्तों। लोचा हो गया सर, हमको तो ए और बी फाइंड करना है, तो तेरी इच्छा। देख कोई उसने बोला नहीं है कि किसी भी मेथड, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही यूज कर, उसने कुछ बोला नहीं है। उसको तो क्या चाहिए, ए और बी का वैल्यू चाहिए फॉर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। तो देख एलिमिनेशन मेथड, रुक जा रे भैया, ये वायर बहुत परेशान कर रहा है, रुक जा। हाँ हाँ चला जा, ठीक 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 बा। एलिमिनेशन तो देख, ए माइनस फाइव बी इज इक्वल्स टू जीरो, ए माइनस टू बी इज इक्वल्स टू थ्री। हाँ सस्ता पड़ेगा रे, ए माइनस, ये प्लस, ये माइनस, देख उड़ भी गया। माइनस फाइव बी प्लस टू बी माइनस थ्री बी, जीरो माइनस थ्री माइनस थ्री, जुब जुब, और ये अपॉन में थ्री गया तो बी इज इक्वल्स टू वन। नाउ कीप दिस बी इन इक्वेशन थ्री, इक्वेशन थ्री सब्स्टिट्यूट b इज इक्वल्स टू वन इन इक्वेशन थ्री। आ जा इक्वेशन थ्री में रख दे, बोलो a माइनस फाइव बी है वन, a माइनस फाइव और b है वन इज इक्वल्स टू जीरो, माइनस फाइव सामने आएगा तो प्लस फाइव। बोलो कितना इजी काम हो रहा है, कितना इजी हो रहा है, ठीक है। a और b का वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। कोई बच्चा ऐसा बोलता है कि सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पूछा हो तो, तो देख दो ही मिनट का काम है, दो ही मिनट का। ये आपका इक्वेशन थ्री है, इक्वेशन फोर ये है, ए माइनस टू बी, इस थ्री को इस बार इधर ले जाना पड़ेगा। अब इसमें से ही तेरा तिकड़म मार दे तू, ए वन कितना वन, बी वन कितना माइनस फाइव, सी वन कितना जीरो। भाई जरूर नहीं हर बार एक्स और वाई ही दे, समझ रहा है कि ना है? हर बार x और y दे जरूरी नहीं है, कभी m और n भी होता है, xy होता है, pq होता है, ab होता है ना। तो देखिए x की जगह पे आपके पास a दिया है, y की जगह पे आपके और b दिया है, तो a1 b1 c1, a2 कितना आएगा 1, b2 कितना आएगा माइनस टू, c2 कितना आएगा माइनस थ्री। अब दोस्त ईमानदारी से बोल, जो x अपॉन तू ये करता था कि नहीं करता था, x अपॉन y अपॉन, ये सिस्टम था कि नहीं था तेरा, बोल। डन है, अब की बार x का जगह किसने ले लिया, a ने, y का जगह b ने ले लिया, अब तो आराम से आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो देख तेरा आंसर ये आएगा, b इज इक्वल टू वन, ए इज इक्वल टू कितने गया रे फाइव, ठीक है ना। चल दो मिनट रुक, बॉर्डर रफ करके नया सम चलाता हूँ। ओके डन, ओके डन, चल दूसरे का दूसरा भाई, एक्सरसाइज 3.5 का दूसरे का दूसरा, लोचा नो लोचा, चला जा। ठीक है ठीक ठीक, चला जा। पहले सप्लीमेंट्री में कैसे लिखेगा, ऊंची है बिल्डिंग टिंग 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 टिंग, तेरी बंद है, चला जा। हाँ कहाँ घूम रहे रे, चलो जुब। हाँ कैसे मैं आऊँ, ये दोस्तों देखो 2k प्लस 3 है ना, उसमें एक आइडिया क्या करने का आपको, 2k प्लस 3 है ना, अरे 2k प्लस 1 है ना, ब्रैकेट कर दे, पूरे ब्रैकेट को इधर ले आ। अब बोल कैसन बा, ठीक बा, तो ठीक बा सर। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस k विच इज इन इक्वेशन 2, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k फॉर नो सॉल्यूशन। अरे नो सॉल्यूशन का हमको पता है सर, अरे सर क्या लिखा है संस्कृत में, तो लिखा है ना a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, क्या बात कर रहा है। तो उसके लिए पहले हमको a1 चाहिएगा 3, b1 चाहिएगा 1, c1 चाहिएगा माइनस 1, a2 कितना 2k माइनस 1, b2 कितना k माइनस 1 और c2 कितना, हाँ माइनस बाहर और 2k प्लस 1 ब्रैकेट में, ठीक है चला जा।
फॉर नो सॉल्यूशन कंडीशन इज दिस. नो इशू सर, नो इशू. चला जा. तो ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू. ठीक है, ए वन अपॉन ए टू थ्री बाय टू के माइनस वन, बी वन अपॉन बी टू वन अपॉन के माइनस वन. डन ना? हाँ. इसको इधर भेजेंगे, उसको इधर भेजेंगे, थ्री के माइनस थ्री टू के माइनस वन, थ्री के माइनस टू के भाई थ्री के और ये माइनस टू के. आंसर क्या आएगा? पी के है. बहुत बड़ा तू फैन बनिया घूम रहा है मेरे कान का. चल आ जा, के आएगा. और देख माइनस वन है सामने, ये प्लस थ्री हो जाएगा, तो माइनस वन प्लस थ्री टू हो जाएगा. बोल कितना इजी काम है. हो गया आंसर, के का वैल्यू आ गया. लेकिन हल्के स्तर की तरफ से एक्स्ट्रा फंडा फोकस. देख बहुत मस्त फोकस दे रहा हूँ, लाइफ सेट हो जाएगा. जिन बच्चों को थोड़ा घुमा फिरा कर ट्विस्ट करके पूछते हैं तो कैसा पूछते हैं? इक्वेशन वन क्या है तेरा? ये है ओसे का ओसा है, उसमें कुछ फर्क नहीं है. अब क्या बोलते हैं मालूम है दोस्तों? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के एंड राइट इक्वेशन टू. इक्वेशन दो को लिख फिर से, री राइट इक्वेशन टू. तो देख इक्वेशन टू को कैसे लिखूंगा मैं? के का वैल्यू अब आ गया है टू. तो देख टू टू जा फोर, फोर माइनस वन थ्री, थ्री एक्स प्लस टू, टू माइनस वन वन वाई, वाई टू टू जा फोर, फोर प्लस वन फाइव इज इक्वल टू जीरो. तो देखे मैंने इक्वेशन टू को रीराइट कर दिया. रीराइट इक्वेशन टू ऐसा बोलते हैं, इसका आधा मार्क्स कट जाएगा नहीं लिखोगे तो. बोले तो के का वैल्यू फाइंड करने का बोला तो वहां पे रुक जाने का. यदि ऐसा बोलते हैं कि रीराइट इक्वेशन टू, तो आपको ऐसे खाली के का वैल्यू अंदर रख देना है. बोल क्या बोलता है? डन है ना? दो मिनट रुक जा, बॉर्डर ऑफ करता हूँ. ओके दोस्तों, चलो बस लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का. बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है. यही है फाइंड सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. दैट्स इट. ओके नो इशू. चलो आ जाओ भैया, आपकी सप्लीमेंट्री में आप ऐसे लिखोगे जुपाक. जुपाक ठीक है. चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है. सब्स्टिट्यूशन चला जा. सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको याद है, चलो फ्रॉम इक्वेशन वन ये एक्स को हीरो बनाना है, तो एट एक्स इज इक्वल टू नाइन माइनस फाइव वाई. अब लगे आ तो एट को नीचे रख दे, मेरा काम हो गया. ये हो जाता है आपका इक्वेशन थ्री. बोल डन है. नाउ कीप द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन टू. और हाँ भाई तेरे को बहुत अच्छा लिखना हो तो सब्स्टिट्यूट एक्स इन इक्वेशन टू. चला जा. थ्री एक्स की जगह पे क्या रखना है भैया? नाइन माइनस फाइव वाई बाय एट प्लस टू वाई इज इक्वल टू फोर. कितना इजू काम हो रहा है, कितना इजू. जुपाक जुपाक टिंगडिंग टिंगडिंग टिंग टिंगडिंग टिंगडिंग टिंग. बोल डन है. ऐसा आवाज आएगा तो एक बार करना तो सही. चल नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, थ्री फाइव जा फिफ्टीन वाई. चल भाई एट टू जा सिक्सटीन वाई, एट फोर जा थर्टी टू. डन है, डन है, डन है. ओके ये देखो माइनस फिफ्टीन वाई प्लस सिक्सटीन वाई वाई. ये थर्टी टू तो था, ये ट्वेंटी सेवन सामने जाएगा तो माइनस ट्वेंटी सेवन, मतलब कितना आ गया? फाइव आ गया. नाउ कीप वाई इन इक्वेशन थ्री. हर बार हमारी बात होती है एक्स इज इक्वल टू नाइन बाई फाइव फाइव बाई एट. वाई की जगह पे फाइव रख दिया ना. नाइन माइनस ट्वेंटी फाइव बाई एट माइनस सिक्सटीन बाई एट. जुपाक एक्स इज इक्वल टू माइनस टू. एक्स इज इक्वल टू माइनस टू. बोल डन है. ये है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड. आ जा भैया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड पे.
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है इक्वेशंस को कैसे लिखना है, 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1 एंड 2 है ना। हाँ, आप ऐसे ही एलिमिनेशन मेथड भी कर सकते हो, टेंशन नहीं लेना। चला जा, a1 कितना 8, b1 कितना 5, c1 कितना माइनस 9, a2 कितना 3, B2 कितना 2, C2 कितना माइनस 4। डाने 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 बोल, कोई इशू है क्या? अब आ जाओ फटाक से, फटाक से फुर जुपाक जुपाक जुम 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 है ना। सर आपके हाथ में मार्कर है ना, हमको डांडिया लगता है, टाना ना टाना है ना। गुरुवार दिन तो कैसा होता है आपको पता है ना दोस्तों, ऐसा कुछ गाना बजता है तो ऐसे ऐसे अपने आप मिलता है, ये वाला बोलना नहीं पड़ता है, पता नहीं कैसे ऐसे 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 होता रहता है ना। चल लाओ, ढक्कन गिर गया, 2 मिनट रुक, चल आ जा। जुप जुप B1 C2 माइनस B2 C1, C1 A2 माइनस C2 A1, A1 B2 माइनस A2 B1। बोल डन है डन है डन है, चल आ जा। एंसर इच्छा तो ऐसी हो रही कि आप अपने आप करो, वीडियो पोस्ट करके अपने आप ट्राई करो। चलो B1 C2 5 माइनस 4 माइनस B2 C1 जुप C1 A2 C2 A1 ओके। आराम से देखो, आपने अपने आप ही आपको करना है, मैं तो ऐसा बोलता हूँ अपने आप ही करो। A1 B2 माइनस A2 B1 ठीक है ठीक है, दिख रहे हैं ना बच्चों को क्लियर? चल आया, एक्स अपॉन 5 4 20 पन माइनस 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 प्लस और 9 2 18 वाई माइनस 9 × 3 माइनस 27, अच्छी बात है, गुड सर। माइनस माइनस प्लस 8 4 32 वो देखो 16 माइनस 15 8 2 16 माइनस 3 5 15। चलो आ जाओ सटाक शट करते हैं दोस्तों, 1 upon 1 मतलब ओनली 1 ओके। कंपेयर कर दिया, बराबर है कि नहीं है, ये इधर गया ये उधर गया। बोलो x इज इक्वल्स टू माइनस 2 y इज इक्वल्स टू 5, कितना इजी काम हो रहा है, बोल है कि नहीं, देख हो गया कि नहीं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर, इसी में एलिमिनेशन करना, सेम आंसर आएगा, इसी में सब्स्टिट्यूशन किया। चल प्रैक्टिस के लिए एक देता हूँ, इसका आंसर तुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है ज़रूर से। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 ठीक है। चलो इसको तीनों मेथड से करना है, ये सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तीनों मेथड से करना दोस्तों, प्रैक्टिस होगा तगड़ा ठीक है। हाँ चल, एग्जाम में बोले ना कि पर्टिकुलर ये मेथड से कर तो ही वो मेथड यूज़ करना, नहीं बोले मतलब आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, आंसर सेम आने वाला है ठीक है। चल वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा, और ये प्रैक्टिस का ये जो सम दिया है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय।